بسم الله الرحمن الرحيم وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टी वी ह्यूस्टन से खादिम पाकिस्तान और ग़ुलाम ग़ुलामाना रसूल जान शाइक अपने प्रोग्राम शहरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, आज हमने एक रमज़ान की वजह से एक इफ्तार पार्टी रखी है जो मेरे बेटे नबील शाइक और वाह टी वी ने मिलकर जॉइंटली जो हम हर साल करते हैं अपनी कम्यूनिटी को दी है, जिसमें हमने लोगों को इनवाइट किया। माशाल्लाह ये इफ्तार पार्टी बहुत कामयाब रहेगी और आज आप देख रहे हैं और अभी देखेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम आज यहाँ से लाइव जाएगा और उसके बाद रिकॉर्डेड प्रोग्राम हम आपको नेक्स्ट 2-3 दिन तक दिखाएंगे कि पार्टी कैसी रही और कैसे गई और कैसे लोगों ने इन्जॉय किया। नाज़रीन, यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी महसूस करता हूँ कि अमेरिका के अंदर सबसे पहले इंडिपेंडेंट डे, पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे परेड मैंने करवाई, सबसे पहले आज़ान रेडियो पर मैंने दिलवाई और आज माशाल्लाह सईद गद्दी साहब अपने प्रोग्राम संगीत पर उसे कंटिन्यू किए हुए हैं और बहुत खिदमात हैं सईद गद्दी साहब की रेडियो पर, और हम उनके शुक्रगुजार हैं। उन्हें सलाम उनकी खिदमत में पेश करते हैं और अल्लाह उन्हें इसी तरह से नेक काम करने की तौफीक देता रहे और अल्लाह उनके रिज़्क के हलाल में बरकत डाले। उसके बाद आज जब टेलीकास्ट किया गया प्रोग्राम, तो ये पहली दफ़ा अमेरिका की हिस्ट्री में टेलीकास्ट हो रहा है लाइव इफ्तार पार्टी। पाकिस्तान से आपने इफ्तार पार्टी लाइव देखी होगी, बहुत सी आती हैं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स से ये पहली मर्तबा लाइव जा रही है इफ्तार पार्टी, और ये माशाल्लाह सेहरा हमारे पाकिस्तान के वाह टी वी के सर है। और वाह के मैंने किया है वर्ल्ड अमेरिकन अलायंस, ये हमने इसको क्रिएट किया, हमने इसको किया, और हमें खुशी है कि आज हम अपनी कम्यूनिटी के लिए इफ्तार पार्टी ह्यूस्टन से डायरेक्टली दे रहे हैं और लाइव ले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है और हम कहीं से भी, आप चाहें जब भी चाहें प्रोग्राम को लाइव ले जा सकते हैं। आपका कोई भी इवेंट हो जो आप कवर करना चाहते हो, आपकी शादी है, मंगनी है, बच्चों की चीज़ है, जो रिश्तेदार पाकिस्तान में देखना चाहते हैं और वह यहाँ नहीं है, या दुनिया के किसी भी कोने में, तो हम इसे टेलीकास्ट कर सकते हैं अपने टेलीविज़न के ज़रिए। ये कोई डिश टेलीविज़न नहीं है जिस पर सिर्फ डिश भी आएगा, डिश है ये हर जगह आता है। आप टेलीफोन में सुने, अपनी कार में सुने, बूम पर सुने, कहीं भी सुने, हर जगह आप इसको देख सकते हैं, वेब पे सुने, कहीं भी दुनिया में किसी भी कोने में आप इसको देख सकते हैं, www.watv.us। नाज़रीन, यहाँ पर मैं अपने बेटे नबील शाइक का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने बेटे नवीद शाइक का, जिनकी काविशों से आज मैं इस मुकाम पर पहुँच गया हूँ कि इस टीवी को मैंने लॉन्च किया है। मेरा बेटा नबील एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर है, बड़ी मेहनत करता है और लॉ इन्फोर्समेंट में उसका कमाल है कि उसने इतने मुजरिमों को जेल में भेजा है जो कि सड़क पर नहीं होने चाहिए थे और सड़क पर थे, उसने उठा के उन्हें जेलों में फेंका है। और मुझे उम्मीद है कि बेटा तुम इसी तरह करते रहोगे और अपनी कम्युनिटी की और इस्लाम की इसी तरह से खिदमत करते रहोगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि मेरा बेटा नबील अपने डिपार्टमेंट में, पुलिस डिपार्टमेंट में, जब भी कोई इस्लामिक बात होती है तो इस्लाम को डिफेंड करता है और इस्लाम का सही रुख उनको दिखाता है। आई एम प्राउड ऑफ यू सन, कंटिन्यू डूइंग ए गुड जॉब। तो लीजिए नाज़रीन, मुलाज़ा फरमाइए आज के प्रोग्राम को। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा और देखने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हमारा टेलीफोन नंबर है 281-394-4337 ऑफिस में, और आप मेरे सेल पे कॉल कर सकते हैं 832-741-0564। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, एक कारवां बनता गया। तुंदिए बादे मुखालिफ से ना घबराए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। अल्लाह बख्शे, मेरी वालदा मुझे ये कहा करती थी, अल्लाह तबारक ताला उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह दे, और इंशाल्लाह हर एक के वालदैन जो इस दुनिया में नहीं, उन्हें जन्नतुल फरदौस में जगह दे। लीजिए मुलाजा फरमाइए आज का प्रोग्राम। शाहे मदीना, शाहे मदीना,
कदमों में तेरे अरशे बरी है, तुझ सा जहां में कोई नहीं है, तुझ सा जहां में कोई नहीं है। कांधे पे फिर भी, कांधे पे फिर भी कमली है काली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। मजहब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई। देख अपनी उम्मत की, देख अपनी उम्मत की खस्ता हाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। कमर में तेरे लबों की लाली सहर में, तेरे लबों की लाली सहर में। फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना। शाहे मदीना, यसरब के वाली, सारे नबी तेरे दर के सवाली। हे मदीना, आप ही हक के नबी हैं, आप ही हक के
किबरिया के फूल खिले, हर तरफ नूर के चराग जले, आसमां झुक रहा है सजदे में, खुशबू मुस्तफा के शहदाई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई। रहमतों का यही महीना है, राह जन्नत का पहला जीना है, जश्न रमजान यूं मनाए हम, अर्श वाले करें पजीराई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई। रज़गा खाना इला में है, सब्ज गुंबद हर एक निगाह में है, बाबे कुरान खुल गया हर सू, बढ़ गई मस्जिदों की रानाई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई। इसमें कुरान का नज़ूल हुआ, इसमें हर्फ़े दुआ कबूल हुआ, है दुरूद व सलाम की बारिश, कहकशां फर्श पर उतर आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई,
जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई। सबके दिल की दुआ है ऐ रमजान, आकयामत रहे ये पाकिस्तान। हर मुसलमान शाद बाद रहे, ना लड़े भाई से कोई भाई। जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई, जश्न रमजान की घड़ी आई। साथ इस तरफ है डॉक्टर कदीर साहब और हाशमी साहब टीवी वन के। इस वक्त दिस इज फर्स्ट टाइम इन सिटी ऑफ ह्यूस्टन वी कैन गो लाइव एनीवेयर इन द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम एनीवेयर। यू वाचिंग अवर प्रोग्राम लाइव राइट फ्रॉम रॉयल। डॉक्टर साहब दुआ कीजिए। कदीर साहब आप माशाल्लाह 24 घंटे रेडियो चलाते हैं, हाशमी साहब आप भी, और उर्दू टाइम के अहमद साहब हमारे साथ हैं, बहुत अच्छा अखबार चलाते हैं। आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि मुस्लिम हमारे पाकिस्तान में खुदा रहम करें और मुसलमान जहाँ भी बसते हों अल्लाह तबारक ताला उनके नाम आप पर रमजान में हर एक इबादत को कबूल करें। नबी साहब मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, डॉक्टर साहब हाशमी साहब अहमद साहब के आपने हमारी सरकार पार्टी में आए। टीवी का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जो है इफ्तार का इंतजाम किया है। अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत है, इनको और हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और आप लाइव देखते रहिए, अभी हम नमाज के लिए जा रहे हैं, नमाज से वापस आके इंशाल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। एंड यू कैन लॉग इन www.bartv.us, जादू पे जाएं, आप बूम पे जाएं, रुकू पे जाएं, हर जगह आप बार टीवी को देख सकते हैं, नॉट ओनली ऑन इंटरनेट। हैव अ ब्लेस्ड डे, मे अल्लाह ब्लेस यू। यू कैन कंटिन्यू Ya Allah, 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 ya Allah
Captain, tell me, you've been in law enforcement for 20-some years. What is the job of the constable, constable department? Well, with the constable's office, we're just like most others. We have a full patrol division, approximately 300 officers on patrol. We also do investigations. We serve warrants. We serve civil process. We go after people that are trafficking humans. We go after illegal game rooms, illegal massage parlors. All right. And you do full service law enforcement? Yes, sir. We do patrols. You call us. We'll come out. We'll take the report of criminal activity. We'll investigate it. We'll file warrants, and then we'll go pick them up. Okay, Constable, Captain, many people prefer to call the Constable's office instead HPD because the respond time, your respond time is much faster. The 25 minutes of the Houston PD, yours 5 to 10 minutes. What's the reason of that? Well, because more professionalism? Well, I'm not going to say more professionalism, but we're community oriented. We're community based. We're in the subdivisions already. Therefore, our average response time is about 5 to 6 minutes on a normal call and about 2 minutes on a high priority call. How many arrests have a monthly your department makes? It varies, but I'd say anywhere from 50 to 75 at least a month. Very good. I keep doing a good job, Captain. You're doing an outstanding job, and wish to see you one day, maybe a sheriff of Harris County after your boss goes. Constable Mark Herman. Yes, sir. He's a good guy. Yes, he is. Thank you. Ladies and gentlemen, आपने अभी देखा थोड़ी सी हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, उसको हमने करेक्ट किया है. और लाइव टेलीविजन में यही प्रॉब्लम होती है कि वंस देयर इज अ प्रॉब्लम इन लाइव चैनल लाइव टीवी दिस थिंग्स हैपन. वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन. इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ओके. कीप वॉचिंग द वॉच. कदमों में तेरे अर्श बरी है, तुझ सा जहाने कोई नहीं है. तुझ सा जहाने कोई नहीं है. कांधे पे फिर भी, कांधे पे फिर भी कमली है काली. सारे नबी तेरे दर के सवाली. शाहे मदीना, शाहे मदीना. मजहब है तेरा सबकी भलाई, मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई. मसलक है तेरा मुश्किल कुशाई. देख अपनी उम्मत की, देख अपनी उम्मत की खस्ता हाली. सारे नबी तेरे दर के सवाली. शाहे मदीना, शाहे मदीना. है नूर तेरा शम्सो कमर में, तेरे लबों की लाली सहर में. तेरे लबों की लाली सहर में फूलों ने तेरी, फूलों ने तेरी खुशबू चुरा ली. सारे नाजरीन आप देख रहे हैं मेरे साहब माशाल्लाह डॉक्टर कदीर साहब हैं, गुलफराद खान, लाला गुल खान गोचे, नसवार का डबी नसवार खान है. इसको हम बोलते थे गोचे एक दिन, नसवार का डबी नसवार खान. अल्लाह इसको जिंदगी दे.
अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, हमारा भाई है, वो चे पख्तूनस्तान का रहने वाला है, अल्लाह इसको बड़ा ज़िंदगी दे, इसको दीदार रसूल कराए। इसका वालदा बहुत नेक औरत थी, अल्लाह उन्हें उनकी अल्लाह तबारक ताला इनकी वालदा को जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दें। बहुत अच्छी खातून थी, मुझे अपने बच्चों की तरह प्यार करती थी, और लाला गुल फराज खान की बहुत कम्यूनिटी के लिए सर्विसज़ हैं, इन्होंने बहुत सर्विस की है PAGH की और भी कम्यूनिटी भी की, जहाँ भी ज़रूरत होती है लाला गुल फराज और इनके भाई वहाँ मौजूद होते हैं। लाला साहब बड़ी मेहरबानी आपकी, थैंक यू जी, आपने बड़े प्यार से बुलाया और हम आपके बड़े मशकूर हैं, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे, सवाब दे, और बड़ा ये सवाब का काम है, सबको आपने इकट्ठा किया, माशाल्लाह काफ़ी लोग आए। दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम दिखाए और मेरे गुनाह माफ़ करे। वैसे एक दिन किसी ने रेडियो पर एक दिन कहा, मैंने एक्सीडेंट ही लगा लिया, कहने लगे कि एक साहब है शहर में, वो कहते हैं मेरे जनाजे में बहुत आदमी होंगे, और कहने लगे क्या कि इसलिए कि लोग कहेंगे देख लो भाई है ना, कोई और तो नहीं है। अच्छा, वो रेडियो वाला बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा नेक आदमी, अल्लाह करे उसके जनाजे में भी बहुत आदमी हो और इसलिए ना चाहे कि शायद वहाँ भी कोई म्यूज़िक बजेगा नहीं, वैसी कोई बात नहीं। मेरे साथ नाजरीन इस वक्त हमारे रेडियो की दुनिया के शहनशाह और रेडियो का बादशाह, जिसने 19 बरस पहले रेडियो को स्टार्ट किया, मैंने उस वक्त गवाह हूँ जब मैंने इसको देखा कि ये और इसके बच्चे आके कितनी मेहनत करते थे, तो मैं सोचा करता था बच्चे आके पढ़ते भी वहाँ हैं, रोज़ा भी खोलते हैं, नमाज भी वहीं पढ़ते हैं, और ये शख्स शाम को बैठ जाता था, सारा दिन वहाँ बैठता था, इसने बड़ी मेहनत की। आज संगीत रेडियो उन बुलंदियों पर है जिसे कोई छू नहीं सकता, हमारी कम्युनिटी का एक बेहतरीन रेडियो प्रोग्राम। सईद साहब, मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूँ, ये सारी मेहनत आपने, आपकी बीवी ने, आपके बच्चों ने की और अल्लाह ने उसमें आपको नवाजा। सबसे बड़ी बात नाजरीन ये है कि मैंने इनके रेडियो प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखा। रेडियो में अजान तो मैंने आगाज़ किया, लेकिन गद्दी भाई ने उसको फॉलो किया, और आज तक 19 बरस में रेडियो से मुसलसल इनके प्रोग्राम से अजान होती है। इसका आगाज़ रेडियो पाकिस्तान ह्यूस्टन से मैंने किया था, और गद्दी ने उसको फॉलो अप करते, ना सिर्फ इसको फॉलो किया, गद्दी ने हर साल रमज़ान के महीने में अपना फुल टाइम दिया रमज़ान के लिए। और आजकल रात को अगर आप लगाते हैं संगीत रेडियो को, तो 9 बजे के बाद बिल्कुल इस्लामिक प्रोग्राम चल रहा होता है और बड़ी नेक बातें होती है। बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत से लोगों ने सीखा। गद्दी साहब, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने किस तरह से हमारी कम्युनिटी को दोजख की दीवारों से दूर खींचकर जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं, और अल्लाह आपको इसका इनाम दे, अल्लाह ताला आपके वालिद को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें, और आपने बहुत नेक काम किया। शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आज की जो इस महफिल को आपने सजाया है, और माशाल्लाह इतने चीधे चीधे लोगों को बुला के आपने कम्युनिटी को ये साबित कर दिया कि आपके चाहने वाले जो हैं वो हर मकतब फ़िक्र में, हर जेंडर में, हर जगह मौजूद हैं। सर, ये मेरे चाहने वाले, आका मोहम्मद मुस्तफ़ा के और अल्लाह के चाहने वाले नहीं, वैसे तो हम बहुत सारे कह सकते हैं चाहने वाले तो उनके हैं, लेकिन रॉयल रेस्टोरेंट के खाने की भी मतलब कि एक तासीर है जो इनको यहाँ पे खींच के भी लेके आए, क्योंकि इनका चिकन टिक्का और इनका कढ़ाई गोश्त बहुत अच्छा है, जिसकी हम तारीफ़ करना चाहेंगे। लेकिन बैक टू ये चीज़ें, आप माशाल्लाह ख़ुद ज़माना शनास हैं, ज़माना आपके बगैर हमारी कम्युनिटी मुकम्मल नहीं होती है, तो अगर यहाँ पे इस शहर की तारीख लिखी जाएगी तो आपका नाम ज़रूर उसमें शामिल होगा, चाहे मेरा हो या ना हो, लेकिन आपका नाम ज़रूर शामिल होगा। नहीं, इंशाल्लाह नाम तो आपका भी शामिल होगा, इसलिए कि आप रेडियो की जान हैं। और नाज़रीन, इधर ज़रा कैमरा ले आइए इस तरफ से, अगर आप आ सकते हैं तो पास करते हुए, और ये साइड पर ले आइए इस तरफ। नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास साथ सामने मेरे डॉक्टर कदीर साहब बैठे हैं, जो कि मेडिकल की जान हैं, और ये अपना के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसके अलावा शायर हैं, राइटर हैं, डॉक्टर हैं, बस एक्टर नहीं है, एक्टर बनाना है इनको। एक्टर ने गद्दी साहब तो शायद ना बना सके, मैं बना दूंगा। मैंने इन्हें कहा था कि मीरा का सीन लेना है इन्हीं के क्लिनिक में, जहां वो बीमार होकर आएगी, कहेगी हेलो डॉक्टर साहब, मेरे गोडे में हेडेक हो गई है, तो वो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया, यार मीरा नहीं, और कोई मर्जी ले आओ इसको नहीं। डॉक्टर साहब, शेख साहब, पहले तो आपको रमजान मुबारक, और आइंदा कुछ दिनों में जो ईद आने वाली है उसकी भी ईद मुबारक। आप शहर के रूए रवा हैं, कोई आप शहर की जान है नहीं, वो तो गद्दी साहब हैं
आपके बगैर शहर वीरान है और आप उस बाप के बेटे हैं जिसने लाखों लोगों को तालीम की रोशनी दिखा के डॉक्टर बनाया। लेकिन असल बात तो है, हवाओं पे तो सईद गदी साहब का पूरा 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 वजूद मौजूद है, पंजा है गाड़ा हुआ इन्होंने हवाओं। ये तो है, लेकिन ये जिम्मेदारी आप पे है शहर की तहजीब की, और मैं तो यही कहूँगा कि आप सारे मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें और दिल खोल के सब लोगों को प्यार और मोहब्बत से ईद मुबारक कहें। मैं तो सबको ईद मुबारक कहता हूँ, सबसे प्यार मोहब्बत करता, मैंने किसी से दुश्मनी नहीं की, मेरा तो पैगाम है मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। देखें ये हमारी तहजीब और तमदन है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजूद की वजह से हमें ये मौका मिला है कि हम रमज़ान के रोज़े रखें और फिर उनको बार इलाही को याद करें और उसके बाद उसके इख्तिताम पे ईद हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि तमाम मुसलमानों से प्यार और मोहब्बत के साथ मेरी उनसे सलाम दुआ दें, आप अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह ताला को अपने हर काम में याद रखा करें। ये बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, और मेरे साथ उनके बराबर में बैठे अहमद साहब, उर्दू टाइम के राइटर हैं यूसम में, महमूद साहब। अहमद साहब कैसे हैं? जी शाहिद साहब, पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पे गैदर किया, एक जगह इकट्ठा किया, और कम्युनिटी की खिदमत जिस तरह आप कर रहे हैं उसके लिए पूरी कम्युनिटी आपके लिए दुआगो है, और इंशाल्लाह आप इस कम्युनिटी को इसी तरह सर्व करते रहें और उनकी दुआएं लेते रहें। आप भी बहुत काम कर रहे हैं अखबार में, और आप करते रहिए और अच्छे अच्छे ऐड देते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखते रहिए। जी बहुत शुक्रिया शायक साहब, आप लोगों का तावन है तो चलता रहेगा इस तरह। थैंक यू। नाज़रीन अभी आप वाच कर रहे हैं हमें, हम वा टी वी से लाइव जा रहे हैं इस वक्त आपके लिए, और ये इफ्तार पार्टी है वा टी वी की जिसे आप इंजॉय कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी के एनीबॉडी समबॉडी इज़ हियर। इंजॉय कीजिए, इंशाल्लाह फिर अभी थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। नाज़रीन, वा टी वी ह्यूस्टन ने आज एक तारीख लिखी है ह्यूस्टन के अंदर। पहली मर्तबा अमेरिका में किसी भी जगह से यूनाइटेड स्टेट से लाइव
चैनल जो लोकल चैनल हो लाइव गया है और पहली दफा वाह टीवी ने। सबसे पहले मैंने ही तारीख लिखी थी कि रेडियो से आज़ान का आगाज मैंने किया, जिस मेरे बाद अल्लाह भला करे सईद गद्दी साहब का, उसने उसको कंटिन्यू रखा। तो नाज़रीन आज फिर मैंने तारीख लिखी है, जैसे आज से 40 बरस पहले मैंने तारीख लिखी थी, पहली पाकिस्तान इंडिपेंडेंट और 14 अगस्त की परेड अमेरिका में मैंने करवाई थी अपने मुल्क की मोहब्बत में। आज उसी तरह अल्लाह के नबी के दीन, अल्लाह के दीन, दीन इलाही, इन्ना दीना हिंद अल्लाह इस्लाम, अल्लाह का दीन है इस्लाम, उसके दीन के लिए, अपने रब्बुल इज़्ज़त के लिए, उसकी चाहत, उसकी मोहब्बत में हमने जो इफ्तार पार्टी दी, जो अल्लाह के लिए रोज़ा हम रखते हैं, जिसका अजर हमें अल्लाह तबारक ताला देते हैं, हमने आज लाइव प्रोग्राम करके दिखा दिया। यहाँ बहुत से चैनल आए, बड़ी बड़ी ढींगे मारते हैं, शहर के बड़े बड़े मामे आगे क्लेम्स करते हैं, ओ वो आ गया, ये आ गया, लेकिन अल्लाह उनको और दे। एक ही चैनल है जो लोकल यहाँ से जाता है, ये सिग्मा टीवी हैं छोटे छोटे, एक ही चैनल है जो लाइव जाता है, वो दैट्स वॉ टीवी। मेरे साथ अब इस वक्त शहर की जान प्यारा अली मौजूद है, गाता भी है, गुनगुनाता भी है, रेडियो प्रोग्राम भी करता है, साउंड भी आपको मुहैया करता है जब आप प्रोग्राम करते हैं, और वॉ टीवी का बहुत बड़ा वर्कर है, मार्केटिंग मैनेजर है वॉ टीवी का। राज अली, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने जिस तरह से मेरा हाथ बटाया, अल्लाह के दीन में जो काम आप करते हैं अल्लाह तबारक ताला के लिए, मेरी अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि आपको इसका अजर दे। आप अपने अनकाउंटेबल आवर्स अपनी कम्यूनिटी को देते हैं और खिदमत खलक करते हैं, अल्लाह के दीन के लिए काम करते हैं, अपनी कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए आउट ऑफ वे जाते हैं, मैं उसमें आपका शुक्रगुजार हूँ। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा बताएंगे? मैं पकड़े रखता हूँ, बात करें। सबसे पहले मैं अपने रब का, अल्लाह का बहुत ज़्यादा हूँ कहते शुक्रगुजार हूँ कि आज का ये दिन हुआ। ह्यूस्टन का तारीख ही ऐसा दिन गया है कि आज सारे मीडिया वाले, सारे अखबार वाले, सारे रेडियो वाले सब एक साथ आए, और बिल्कुल शहर के ऐसे ऐसे लोग आए कि जिनको मैं अपना ये जानता भी नहीं था कि कोई मेरे कोई खालाजाद भाई हो, मामूजाद भाई हो। शहर के सब लोगों को हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे इनवाइट किया, तकरीबन 150 तकरीबन ठीक ठाक या लोग आए, और आज की ये जो हुई ये तारीख की इफ्तार पार्टी, जो कि वॉ टीवी ने पहली मरतबा शहर ह्यूस्टन से, अमेरिका से लाइव की ब्रॉडकास्ट की। लोग वहाँ पे खा रहे, आ रहे, बातचीत कर रहे, नमाजें हो रही है, जा रहे, तो उस चीज़ का सारा क्रेडिट जाता है हमारे कहते जॉन शाइक को, आपको, हमारी सीईओ साहब को, और सबसे मेन क्रेडिट जाता है हमारी अपनी कम्युनिटी को कि वो लोग आए। और सबसे मेन टाइम है कि लैलतुल कद्र की चल रही, सारी रातें चल रही है, लेकिन अपना टाइम निकाल के आना और ऐसे आपस में यूनिटी के साथ बैठना और साथ में इसको सक्सेस करना, तो आई रियली हैड्स ऑफ टू माय ऑल द कम्युनिटी। एंड टुडेस इवेंट इज़ वेरी नाइस फैमिली, बहुत ही अच्छा था, और मेरी कहते ख्वाहिश है कि भाई कि नेक्स्ट ईयर हम करेंगे, इससे ज़्यादा करेंगे, बड़ा करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, यहाँ पर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक चीज़ होती है हसद, हसद मार देती है, और उन्होंने कहा किसी से हसद मत करो। इज्जत, मैंने हमेशा अपने प्रोग्राम में कहा है, व तोज़ु मंतशा व तज़िल्लु मंतशा बैत कल खैर का अदा कुल्ल शाइन कदीर। अल्लाह तबारक ताला जिसे चाहे इज्जत देते हैं, और अल्लाह तबारक ताला ही जिसे चाहे इज्जत लेते हैं, और वही हर चीज़ पर कादर है। मुझे बहुत खुशी हुई जब सईद गद्दी साहब वहाँ तशरीफ़ लाए, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, रेडियो की दुनिया में उनका बड़ा नाम है, मैं उनसे कहीं ज़्यादा सीनियर हूँ, उनसे पहले मैंने स्टार्ट किया, गद्दी साहब ने कुछ बैक के मुझसे लाइसेंस भी लिए, लेकिन माई हैट ऑफ फॉर हिम कि उन्होंने अपने बच्चों, अपनी बीवी के साथ मिलकर जो कुर्बानियाँ हैं रेडियो के लिए, और आज इस मुकाम पर सईद गद्दी साहब उस रेडियो प्रोग्राम को लेकर आए हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह उन्हें दिन दुगनी, चार चुगनी और तरक्की दे, और इसी तरह से वो आगे चलते चले जाएं, और अल्लाह करे कि पाकिस्तानी गानों को ज्यादा लगाएं। आपका क्या ख्याल है सईद साहब, गद्दी साहब का आज आना एक अच्छी खबर थी, एक अच्छी खुशी की बात थी? बहुत ही जबरदस्त किस्म की थी ये खबर की बातचीत थी, कि इसलिए अमूमन क्या होता है कि टीवी का और रेडियो का आपस में एक किस्म का होता है, कंपटीशन होता है, लेकिन सही साहब आए और उन्होंने अपने आप को किया टोटली डाउन टू अर्थ किया, और उन्होंने आके हमारे साथ मिलकर अपना शेक हैंड किया, और सारे जो मेहमान के सामने आई एम रियली इम्प्रेस फॉर हिम। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात बताना बड़े फ़ख्र से महसूस करता हूँ, मेरी वालदा मरहूमा ने गद्दी साहब की बीवी को अपनी बेटी की तरह समझा, उन्होंने एक वालदा मेरी को कुरान दिया था तोहफे में,
कि अम्मा ये आपके लिए कुरान है। मेरी माँ ने मरने से पहले एक दफ़ा मुझे बहुत देर पहले मुझे कहा था जब कुरान मेरी वालदा ने मुझे पास आउट किया कि बेटा इसको पढ़ते रहना, इस कुरान को रोज़ाना पढ़ना ताकि गद्दी की बीवी को इसका सवाब मिलता रहे। भाभी मैं उस कुरान को रोज़ाना सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ता हूँ और रात को उस कुरान को दोबारा सूरत मुल्क जब मैं पढ़ के सोता हूँ और मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं सूरत मुल्क पढ़ के सोऊँ क्योंकि अल्लाह के नबी ने कहा है कि क़यामत के रोज़ ये सूरत मुल्क जो आपके लिए गवाह बनकर आपकी विटनेस बनकर अल्लाह के पास जाएगी, कहेगी अल्लाह तबारक ताला इसको बख्श दो या मुझे कुरान से निकाल दो, इसने सारी ज़िंदगी मेरी सोने से पहले तलावत की है। ये अल्लाह ताला का कमाल देखें, अल्लाह की खुशनूदगी, इसकी मोहब्बत देखें। माह रमज़ान कितनी जल्दी आया और कितनी जल्दी चला गया, लेकिन कितने बदकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने रमज़ान को पाया लेकिन इसमें से कुछ कमा ना सके। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो हमें सिरात मुस्तकीम दिखाएं और पाकिस्तान जिन मुश्किलात में से गुजर रहा है पाकिस्तान को अल्लाह तबारक ताला तरक्की दे और दुश्मनों की नगाह से बचाए और हमें अमन से रहना है जो हमें आका मोहम्मद मुस्तफ़ा ने सिखाया। इस्लाम एक अमन का दीन है। नाज़रीन यहाँ पर मैं अपने कुछ दोस्त हैं जो कि अटलांटा में रहते हैं, अज़ीज़ फैमिली, उनका भी शुक्रगुजार हूँ उनकी बेगम की और उनकी दुआएं जो मेरे साथ हैं जो उन्होंने मुझे दुआ दी। अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह उनको दीदार रसूल कराए। बहुत अच्छी फैमिली है मुमताज़ अज़ीज़ साहब की फैमिली, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने किस तरह से जब सुना कि मैं इफ्तार पार्टी दे रहा हूँ और उन्होंने मुझे वहाँ से बैठ कर अटलांटा से दुआ दी कि अल्लाह इसे कबूल करे। ये एक अच्छी बात होती है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए दुआ करता है। आज मैं आपसे भी कहूंगा, अपने घरों में बैठे हैं, सबको माफ़ कर दीजिए। जिसने भी कोई बुरा किया हो आपके साथ, माफ़ कर देने वाला इंतकाम लेने वाले से कहीं ज़्यादा बहादुर है। अगर सब कुछ आप खुद ही करते जाएंगे तो फिर अल्लाह तबारक ताला क्या फ़ैसला करेंगे। कुछ चीज़ें उसके पास भी छोड़ दीजिए। मेरी वालदा मरहूमा ने मरने से पहले मुझे एक नसीहत की थी कि बेटा सबको माफ़ कर दो, तेरे साथ जिसने भी कोई बुरा किया उसको माफ़ कर दो और अल्लाह के हवाले कर दो, उसको भी कुछ फ़ैसले करने दो। तो मैं रियाज साहब फिर आपका एक दफ़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने हमेशा हमारी कम्युनिटी का पास आ जाइए क्योंकि आप कैमरे से फ्रेम से बाहर जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कैमरे की तरफ देखिए। मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमेशा कम्युनिटी का साथ दिया जी। कुछ भी हो, तूफान आए, जलजला आए, कोई आफत आ जाए पाकिस्तान पर, किसी भी मुस्लिम कंट्री पर, खा वो फलस्तीन हो, खा पाकिस्तान हो, फिर सूडान हो, रियाज अली वहाँ मौजूद होता है। और ये मैं हैट ऑन फॉर यू सर, आई सल्यूट यू, और मैं बड़े फख्र से आपके साथ हाथ मिलाता हूँ एक ऐसे मुसलमान से जो अल्लाह का सिपाही है। गुड लक टू यू सर। एक बात कहनी है जी भैया, एक बात कहनी है कि ना छोटी सी बात है और मैं इसको थोड़ा सा कहती ना अपने यहाँ पे कहते हम की शक्ल में कहूँगा, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। बासिफ ये है कि हम सब यहाँ पे एक ही रब के, क्या बोलते हैं, यहाँ पे औलाद है और हम सब यहाँ औलाद नहीं है, उसके बंदे हैं, बंदे हैं हम, औलाद कहें तो शिर्क हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा, आदम के बंदे हैं, आदम की है, हम लोग कहते हैं औलाद है और हम सब यहाँ पे आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, तो यही मेरा है पैगाम है और अपने जितने भी हमारे जो नाज़रीन हैं उनको मैं अपनी तरफ से कहता हूँ विशिंग यू हैप्पी ईद मुबारक। थैंक यू सर। आज इस प्रोग्राम को आपने देखा, कैसा लगा? पहली मरतबा ह्यूस्टन से लाइव इफ्तार पार्टी टेलीकास्ट की गई है, लाइव सारी दुनिया में देखा गया इसको। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा हो। पाइंदाबाद। Take it all.
Thank you.